नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि चाय की पत्ती को गुलाब में किस तरह से डाला जाता है और इसके क्या फ़ायदे होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप फ्रेश चाय की पत्ती इस्तेमाल करते हैं तो उसकी सिर्फ़ एक चम्मच 12 इंच के गमले में काफ़ी होती है, और अगर आप यूज़ की हुई, मतलब जिस तरह की हम चाय बनाने के बाद में उसको धो के और 2-3 दिन अच्छी तरह से सुखा के ही यूज़ करनी है, उसको गीला हमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। 2-3 दिन के लिए उसको अच्छे से धूप में सुखा लेना है, और उसकी हम 2 चम्मच चाय की पत्ती इस्तेमाल करते कर सकते हैं यूज़ की हुई। तो उसको इस्तेमाल करने के लिए हमें 1 लेयर मिट्टी की मिट्टी मतलब चाय की पत्ती की इसमें गुलाब के प्लांट में मिट्टी के ऊपर बना देनी है इस तरह से, और फिर हमें उसमें हल्की सी गुड़ाई कर देनी है। ज़्यादा नीचे तक गुड़ाई नहीं करनी है, ऊपर ऊपर करनी है, जिससे कि चाय की पत्ती इस मिट्टी में मिक्स हो जाए। और दोस्तों, चाय की पत्ती एंटी फंगल होती है, और इससे के डालने से ना हमारे प्लांट में किसी तरह का फंगस नहीं लगता है। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी प्लांट में डालना चाहते हैं, जैसे हमारा इंग्लिश गुलाब हुआ या बटन गुलाब हुआ, देसी गुलाब हुआ, तो सभी तरह के प्लांट में आप चाय की पत्ती को डाल सकते हैं, और धीरे धीरे चाय की पत्ती डिकम्पोस्ट होती रहती है और मिट्टी में ही मिल जाती है। और जब हम लगातार इसमें पानी देते हैं, उसके बाद में धीरे धीरे करके डिकम्पोस्ट होती रहती है, और ये एक तरह से खाद का काम भी करती है। तो चाय की पत्ती एंटी फंगल भी होती है, और ये हमारे प्लांट में खाद का काम भी करती है। तो दोस्तों, इसको आप अपने गुलाब के हर प्लांट में डाल सकते हैं, और चाय की पत्ती डालने के कुछ दिनों बाद ही हमारे प्लांट में अच्छे अच्छे ब्राइट कलर के फ्लावर निकल के आते हैं। और गुलाब तो वैसे ही फूलों का राजा है, तो ये देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। तो दोस्तों, आप भी किचन में निकली हुई चाय की पत्ती को फेंकने की बजाय अपने गुलाब के प्लांट में या फिर मनी प्लांट में डाल सकते हैं, और मनी प्लांट में भी है ना, ये बहुत ही बढ़िया काम करती है, और उसके भी पत्ते हरे हो जाते हैं चाय की पत्ती डालने के बाद में। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते जी, धन्यवाद।